प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में देश दुनिया से जुड़ी 25 खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अतिवृष्टि के बाद किसानों के मुआवजे पर सियासत शुरू, बीजेपी के वसुंधरा खेमे ने किया आंदोलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गति शक्ति योजना का किया ऐलान, उद्योग जगत ने इस योजना का किया स्वागत। अफगान भारत में अफगान दूतावास का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, प्रेस सेक्रेटरी का दावा नहीं हो पा रहा लॉगिन। सुष्मिता देव सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, बीती रात सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तिरंगे के रंगों में जगमगाया। तालिबान ने काबुल में दूतावासों को कोई खतरा नहीं, विदेशी नागरिकों को कोई खतरा नहीं होने की भी पुष्टि की। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में युद्ध खत्म, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, अशरफ गनी ने छोड़ा देश। काबुल हवाई अड्डे पर अपने सुरक्षा सैनिकों को बढ़ाकर 6,000 तक करेगा अमेरिका, कहा लोगों को सुरक्षित निकालना हमारा मिशन। नाटो ने अफगानिस्तान में लड़ी लंबी लड़ाई, वहां के सुरक्षा बलों को मजबूत करना था प्रमुख उद्देश्य। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी अब बीमारू राज्य से उबरकर बना विकास की ओर उन्मुख प्रदेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम जारी की चिट्ठी, कहा नई हवा है नई सपा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी हिंदी पत्रकारिता को देगी नया आयाम, यूजीसी ने सौंपी पत्रकारिता में बदले स्वरूप पर शॉर्ट फिल्म बनाने की जिम्मेदारी। 8 महीने बाद यूपी के स्कूलों में लौटी रौनक, एहतियात के साथ बच्चों को दिया गया प्रवेश। यूपी में भाजपा ने 3 क्षेत्रों के मेरठ, इटावा और गोंडा जिले में नियुक्त किए नए जिलाध्यक्ष। आईपीएल 2021 से पहले शारजाह क्रिकेट स्टेडियम को किया जा रहा है अपग्रेड, इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी की जाएंगी शामिल। निलंबित भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को भारतीय कुश्ती संघ से मांगी माफी, फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने की संभावना कम। आईपीएल 2021 से पहले फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए दी है एनओसी। विराट कोहली ने इंग्लैंड में फहराया तिरंगा, कोच शास्त्री समेत पूरी टीम रही मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को किया जाएगा शामिल, बारबाडोस की महिला टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में वेस्टइंडीज का करेंगी प्रतिनिधित्व। इंडियन आइडल 12 के विनर बने पवनदीप राजन, दूसरे नंबर पर रही अनुदिता कांजीलाल। दो साल बाद सोशल मीडिया पर फिर एक्टिव हुए आर्यन खान, किंग खान के हैं कार्बन कॉपी। अक्षय कुमार की बेल बॉटम बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से हुई पास, जल्द ही सिनेमा घरों में होगी रिलीज। दीपिका और अनन्या ने शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग की पूरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आधारित है ये फिल्म।
ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू से मिले मधुर भंडारकर, दोनों से लंबी बातचीत की, ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। और इसी के साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।